हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूं बायोलॉजी का एक और वंडरफुल सेशन लेकर। द एम ऑफ टुडेज वीडियो इज टू डिस्कस क्लोरोप्लास्ट आर यूनिक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन प्लांट सेल दैट स्पेशलाइज इन कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू एनर्जी दैट प्लांट्स कैन यूज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मकसद ये है आज के इस वीडियो का कि इस बात पर रोशनी डालना कि क्लोरोप्लास्ट नबाती खलियों में पाया जाने वाला एक मखसूस खलवी अजविचा है जो रोशनी की तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करके कुर्रे अर्ज पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है और इस अमल को शुआई तरकीब कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में शुआई तरकीब के तरीक़ेकार को एनिमेटेड शक्ल में देखा था, द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आज हम शुआई तरकीब के दौरान और शुआई तरकीब के अंजाम पाने के बाद क्लोरोप्लास्ट में क्या तब्दीलियां वाक़ होती हैं उसके बारे में देखेंगे। शुआई तरकीब के दौरान कई तब्दीलियां क्लोरोप्लास्ट में वाक़ होती है, जिसमें से सबसे अहम तीन तब्दीलियां हैं, याद रखें। नंबर वन है शुआई तवानाई का कीमियाई तवानाई में तब्दील होना। नंबर टू है फोटोलाइसिस या पानी के साले में का टूटना। और नंबर थ्री है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में तहवील पाना। अब उसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस या जियाई तालीफ का मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर वन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे जियाई कीमियाई मरहला या रोशनी पर मुनहसिर तामुलात भी कहते हैं। और नंबर टू है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या रोशनी पर गैर मुनहसिर मरहला, जिसे हयाती कीमियाई मरहला भी कहते हैं या हयाती तालीफी मरहला भी इसे कहा। अब आइए देखते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या जियाई कीमियाई मरहला। तो ये भी तीन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है या तीन मरहलों पर मुश्तमिल होता है। नंबर वन है रोशनी का इंजेजाब। तो ये फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये क्लोरोप्लास्ट है और ये सूरज की रोशनी या किरणें हैं। जब सूरज की रोशनी क्लोरोप्लास्ट से तिमास में आती है तो क्लोरोप्लास्ट मुतहर्रिक हो जाता है। आपको तो पता है रोशनी की तवानाई फोटॉन की शक्ल में पाई जाती है। तो ये पहले स्टेप में ये अमल अंजाम पाता है। दूसरा अगर हम स्टेप देखें तो दूसरे स्टेप में या दूसरे मरहले में फोटोलाइसिस का अमल वाक़ होता है या इसे जिया पाशीदगी भी कहा जाता है। तो यानी कि पानी के साले में का रोशनी की वजह से, पहले रोशनी आई, याद रखें, पानी के साले में का रोशनी की वजह से टूटना फोटोलाइसिस या जिया पाशीदगी कहलाता है। तो इसको सबसे पहले रॉबर्ट हिल ने बताया था, तो लिहाजा इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं तीसरा स्टेप। इसमें बहुत तेज़ी से तब्दीलियां वाक़ होती है और जो पानी का सालेमा हाइड्रोजन रवा H प्लस और हाइड्रोऑक्सी रवा OH माइनस में जो टूटा था उसमें बहुत सारी तब्दीलियां वाक़े होते हुए कई मराहल से गुजरता है और सिलसिलेवार तब्दीलियां वाक़े होने के बाद इस हाइड्रोजन रवा को NADP हासिल करता है और NADPH में तब्दील हो जाता है। तो शुआई तामुल के इख्तिताम पर चंद मुरक्कबात भी जो तैयार होते हैं जो तवानाई को जज्ब करते हैं, जैसे NADPH और ATP, तो इनको कहा जाता है जज्ब कुनिंदे, ये रोशनी को जज्ब करके रख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तीन मरहलों पर मुश्तमिल है। नंबर वन है रोशनी का इंजेजाब, नंबर टू है फोटोलाइसिस या पानी के सालेमे का टूटना, और नंबर थ्री है हाइड्रोऑक्सी रवा के ज़रिए से तवानाई का स्टोर हो जाना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बाद का मरहला लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। ये आमतौर पर तारीकी में होता है। अगर हम इसको रात का अमल नहीं कहा जा सकता, रोशनी की गैर मौजूदगी में अंजाम पाने वाला अमल है। तो इसमें रोशनी की गैर मौजूदगी के इस अमल को हयाती तालीफी मरहला भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, तारिक तामुल के दौरान NADPH का
हाइड्रोऑक्सी रवा या हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज तैयार करता है। ग्लूकोज की तालीफ के दौरान कई एक दरमियानी मराहिल आते हैं और बिल आखिर RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करके उस ग्लूकोज को निशास्ते में तब्दील कर दे और एक पौधे से दूसरे पौधे में रोशनी की जरूरत फिर उसके दरमियानी मुरक्कबात या दीगर चीजें एक पौधे से दूसरे पौधे में मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि शुआई तरकीब के दौरान कई तामुलात क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जिसमें नंबर वन है शुआई तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करना और फोटोलाइसिस का अमल अंजाम देना और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में तब्दील होना। ठीक है, और इसके लिए लाइट रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तीन मरहलों पे होता है, एक तो रोशनी का इंजेजाब, दूसरा फोटोलाइसिस और तीसरा हाइड्रोऑक्सी रवा के जरिए से तवानाई का इंजेजाब। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर ग्लूकोज तैयार होता है। दिस इज द समरी, यह है खुलासा। थैंक यू।